Hello student, in previous chapter we have studied about vagabond disease. हम जो है lice borne disease के बारे में study कर रहे हैं. उसी से होने वाली another type of infestation जो है वो कहलाती है theriasis. Theriasis जो है एक तरह की थीरियस प्यूबिस जो लाइस है उसके कारण होती है, और ये ऑब्लिगेट जो है एक्टोपैरासाइट्स हैं ह्यूमन बीइंग के. मेल पैरासाइट जो है उनका साइज जो है फीमेल पैरासाइट से छोटा होता है, और बोथ चाहे अगर इनको दोनों को मेल और फीमेल को कंपेयर करें तो ये जो पेडिकुलस कैपिटिस हैं, हेड लाइस जिसको बोलते हैं, पेडिकुलस कॉर्पोरिस है जो कि बॉडी लाइस हैं, उनसे छोटा होता है, क्योंकि ये जो है क्रैब की साइज के रहते हैं, क्रैब शेप दिखाई देते हैं, तो इनको क्रैब लाइस भी बोल देते हैं. क्रैब के साइज के तो नहीं कहेंगे, क्रैब की क्रैब जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको हम क्रैब लाइस का नाम दे देते हैं. ये स्प्रेड होता है ज़्यादातर हेयरी एरिया में, सच एज एब्डोमेन के ऊपर, थाइस, चेस्ट, एक्सिलरी एरिया, बियर्ड्स, एज वेल एज आईब्रो एंड आई लैशेज. जहाँ पर भी हेयर होंगे वहाँ पर स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. जो थीरस प्यूबिस लाइस है वो ब्लड को फीड करती है 5 times a day. आप देखेंगे कि बॉडी के ऊपर जब फीड लेने जाएगी और उसमें इन्फेस्टेशन के चांसेस जो है, ट्रांसमिशन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं. इन्फेस्टेशन जो है वो मेनली होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये अडल्ट के अंदर जो है इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन. ड्यूरिंग इंट्रैक्शन, अगर आप इन्फेस्टेड पेरेंट्स हैं और उन आपके चाइल्ड्स के बीच में इंट्रैक्शन रहता है तो भी इन्फेस्टेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ट्रांसमिशन ऑफ थीरस प्यूबिस जो आईलैशेस टू आईलैशेस में भी मैनुअली हो सकता है इन्फेस्टेड पर्सन बॉडी हेयर से और ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है अगर हम इन्फेस्टेड पर्सन के क्लोथ, टावल के कांटेक्ट में आते हैं या उनको शेयर करते हैं, तो जो एग्स हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं. सिम्टम आप देखेंगे कि जो थेरियसिस है उसकी, उसमें क्या होता है, आईलिड या आईलैशेस के ऊपर जो है इची हो जाती हैं, आई जो है वो बिकम रेड एंड वाटरी हो जाती हैं, क्योंकि बार बार इचिंग होने से ये प्रॉब्लम आ जाती है. और आप इजीली जो आप देखेंगे कि आपको एग जो है वो जो बेस है आई लैशेज की वहाँ पर क्लिंग होके जो है वो दिखाई देते हैं, मतलब कि चिपके हुए होते हैं हेयर के बेस के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर जो है ये अपने आप को क्लोज के द्वारा जो है क्लिंग कर लेते हैं और इजीली आप उनको रिमूव नहीं कर सकते. स्क्रैचिंग ऑफ स्किन में कॉज सेकेंडरी, अब क्योंकि हमने देखा लाइस का जब इन्फेस्टेशन होता है तो बाइटिंग से इचिंग होती है, इचिंग से जो है वो स्क्रैचिंग करते हैं, तो स्क्रैचिंग करने से लगातार एक्सटेंसिव एक्सेसिव स्क्रैचिंग करने से वहाँ पर स्किन लीजन्स हो जाते हैं, वाउंड हो जाते हैं, और वो वाउंड जो है वो ओपन रहते हैं तो वहाँ पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं. जो रैशेज हैं जिनको मैकुली सेलुलियाई कह देते हैं वो परसिस्ट करते हैं फॉर फ्यू डेज के लिए. चिल्ड्रन में अगर वैसे तो रिस्क जो है बहुत रेयर होता है, लेकिन फिर भी इन्फेस्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से हो सकता है, तो उनके अंदर भी कहता है कई बार कंजक्टिवाइटिस जो है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. डायग्नोज आप ईजीली कर सकते हैं, क्योंकि जो इचिंग है प्रूराइटिस जो है, राइटिस है जिसमें क्या होता है एक्सटेंसिव इचिंग होती है, वो अगर महसूस हो रही है आईलिड में, आईलैशेस के अंदर, और
क्योंकि जो पर्सन जो है हाईली सेंसिटिव रहते हैं, जिनकी स्किन के ऊपर अगर कोई माइस बाउट कर जाती है तो वहाँ पर स्लाइवा सिक्रीट करती हैं, तो उस स्लाइवा के अगेंस्ट जो है वो कई बार हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है इंडिविजुअल्स में, जिसके कारण ये सिम्टम जो है वो इचिंग जो एक्सेसिव इचिंग जो है, इंटेंस इचिंग जो है वो महसूस होती है। माइक्रोस्कोपिक जो है आईलिड का मटेरियल जो है माइक्रोस्कोप के नीचे जो है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वहाँ पर भी पैरासिटिक इन्फेस्टेशन जो है वो कंफर्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर उस एरिया के अंदर लाइस जो हैं और एग्स जो है वो देखे जा सकते हैं। ट्रीटमेंट जो है पहला तो वही है, प्रिकॉशन लें कि किसी भी तरह से जो है वो इन्फेस्टेशन से बचे, और वही कि ओवर क्राउडेड एरिया में ना जाएं, हाइजीनिक का पूरा ध्यान रखें, और रेगुलरली जो है वो बाथिंग या वॉशिंग ऑफ क्लोथ जो है बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए, और इन्फेस्टेटेड पर्सन के क्लोज कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए। इसमें क्या किया जाता है कि लाइस जो निट है उनको स्लिट लैम्प होता है, क्लिनिकल माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, और उसके द्वारा जो है वो मैनुअली लाइस और जो उनके एग्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। प्यूबिक इन्फेक्शन जो है ड्रग के थ्रू जो है जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उनके थ्रू जो है उसको ट्रीट किया जाता है। पेशेंट को एडवाइस दी जाती है कि अगर वो, क्योंकि ये सेक्सुअली इंटरकोर्स के दौरान जो है इसकी ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं, तो पार्टनर को भी एग्जामिन कराएं और उनका भी टाइमली जो है वो ट्रीटमेंट दें। बेड लिनन्स हैं, टॉवल्स हैं, क्लोथ्स हैं, उनको वॉश करें 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एटलीस्ट 5 मिनट तक तो करें, और उसके बाद इन आइटम को शेयरिंग ना करें, मतलब कि जहाँ पर इन्फेस्टेशन है वहाँ पर शेयरिंग जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। ओरल आइवरमेक्टिन जो है वो यूज़ कर सकते हैं सिंगल डोज ट्रीटमेंट में। सेकेंड डोज की रिक्वायरमेंट अगर है तो 10 डेज के बाद जो है वो दी जाती है, टू कंट्रोल न्यूली हैच निट्स एग्स को हैच होने से रोका जा सकता है। लिंडेन शैम्पू है, मेलाथियन लोशन है, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं लाइस को किल करने के लिए या उनके एग्स को किल करने के लिए। थैंक यू।